Hey, hi, मैं हूं जावेद जाफरी एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा। We have with us a versatile performer, Javed Jafri. His film is coming up, Beshram, where he is playing a negative lead in that. We'll find out more about that. First of all, pleasure having you back on Bollywood Hangama. Thank you. How was the experience of playing a negative lead? In fact, you started your career with a negative lead in Meri Jung. Yes, Meri Jung was an antagonist and that was 86. Yeah. So, after that, the second big negative role I played was in a film called Oh Darling, Yeah India with Shah Rukh Khan. That was in 93, we shot for it, released in 94. So now it's after 20 years that I'm playing another negative role. So yeah, it's interesting, it's exciting, and all thanks to Abhinav Kashyap, who thought of me out of the box and said, "Theek hai, ye comic image hai, but I'll take him as the main negative person in my film." So that was, I appreciate that a lot. I mean, it was really because people just block you somewhere. Then you comedy karta hai, you know, fine. So they don't think of you, bhai, there are other roles which as an actor I can perform with ease. But wo nahi ho raha tha. So for me, it's as a career and as an actor, it's important that people get to see and believe that, oh, okay. हालांकि मैंने इतने सालों में जो भी 28 years आई हैव डन एवरीथिंग सब कुछ करके दिखा दिया है, बट समवेयर पीपल टेंड टू फॉरगेट, टू रिमाइंड देम, नहीं यार ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है. सो इट्स आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट एज अ फिल्म फॉर मी टू री एस्टैब्लिश द अदर साइड ऑफ द एक्टर. एंड वी सी दिस डायलॉग व्हिच आई थिंक हैज बिकम वेरी पॉपुलर, दैट तुम जानते हो इसकी सजा क्या है, एंड देन रणबीर रिएक्ट्स टू इट दैट मैं भी हिंदी फिल्म में देखता हूं. गलती गलती की सजा क्या होती है तुम जानते हो, और हमारे धंधे में गलती की सजा क्या होती है तुम जानते हो. सो हाउ द एक्सपीरियंस, बिकॉज़ आई थिंक इवन रणबीर हैज अ वेरी फाइन कॉमिक टाइमिंग एज वेल, एंड देन व्हाट सॉर्ट ऑफ विलन इज आर यू प्लेइंग इन दैट? इट्स अ वेरी सीरियस विलन, देयर इज नो कॉमेडी. एक्चुअली अभिनव ने बहुत ही सोच समझ के कहा कि मैं पर्पसली कुछ इसमें कॉमिक टच डालना ही नहीं चाहता हूं इसमें, बिकॉज एज इट इज तुम्हारी कॉमिक इमेज है. सो आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, नथिंग फनी, इट्स वेरी सीरियस, इज अ रूथलेस, इज अ किलर. तो वो सब एस्टैब्लिश किया है फिल्म में. लुक के बारे में भी बोला था, लेट्स गिव अ पेपर्ड ब्लैक एंड वाइट बियर्ड, क्योंकि लेट्स गिव अ स्लाइट एज, इट्स गुड, वी सी यू लिटिल डिफरेंट देन वी सीइंग यू यंग. एंड स्कार दिया हमने यहाँ पे, तो और आवाज़ उसकी जो नॉर्मल आवाज़ है वैसी रखी है. बोलने का अंदाज थोड़ा स्लो है, कम बोलता है. उसकी एक थीम है, बजूका लेके AK-47 लेके घूमते रहते हैं. एक बटलर उसके पास है, वो थोड़ा टच दिया हमने, कि बटलर उसके फ़ोन वोन लेके बो टाइप पहन के सर, एंड ही वो हमेशा अपने नेल वेल फाइल करते रहता है. सो वो इज़ वेरी मेटिकुलस अबाउट थिंग्स. सो नेल फाइलिंग में एक नीट क्लीन उसके कपड़े वपड़े जिस तरह से हैं, तो वो रखा है थोड़ा टच हमने. फ्रॉम द प्रोमोज वी स्टिल हैवंट सीन मच ऑफ योर कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डायलॉग इन फैक्ट. एंड ऑब्वियसली दे आर पुशिंग द रणबीर बिट इनिशियली. इवन ऋषि जी का भी थोड़ा सा दिखाया है, नीतू जी का थोड़ा दिखाया है. लड़की ऑब्वियसली शी इज इन द सॉन्ग, सो दे हैव केप्ट इट मोर रणबीर सेंट्रिक एट द मोमेंट, राइट? एंड देन इफ दे हैव फॉर द प्रोमोस देन दे प्ले इट बेटर. सो इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट अ फिल्म फॉर यू, बिकॉज कंसीडरिंग दैट रणबीर इज हैविंग दीज, यू नो, ही सेज दैट आई एम नॉट अ सुपरस्टार, बट द इंडस्ट्री कंसीडर्स हिम एज वन, बिकॉज ही हैज बीन डिलीवरिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस नाउ एंड दैट इज बिग नंबर्स. इन द यंगर स्लॉट, यस, ही इज अ सुपरस्टार, बिकॉज देयर इज द एज स्लॉट व्हिच इज ऑलरेडी Amir, Shah Rukh, Salman, that's one product share. Right. And then the other age slot, which is 10, 15 years younger, they don't have. So Ranbir is probably, that's the superstar going on now. He's modest and he's in more real estate, and his labels don't matter. You know, it's like, he's a very good actor and he's a star. So, and he brings numbers as far as box office is concerned. And in the past few films, it has proven that, you know, he's managed to pull great box office returns. It's all about success. You have done a great role in a film. It didn't work as a film, then it doesn't benefit you. But if you do an average role in a big hit film, it takes you further. So it's all about, that's how it is. I mean, that's how the industry operates, which is, you know, actors or scripts, it should not be bound by, oh, chali nahi hai, itne paise kamaye. You know, if it's a good actor, he's a good actor. If it's a good script, well written, and the movie didn't do well, they should appreciate, or it's a good director for that matter. But somewhere it always comes down to, picture ne itna kamaya, aur ye box office tha, and it's about success, finally, and what the money can make, not about what quality you've delivered. So sometimes you feel sad on that front, but that's the reality.